मिनिमा, इसको कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पर हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम भाई। तो क्या करना है, सबसे पहले कुछ बातें हैं मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। नंबर एक बात, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है भैया? फंक्शन बनाना है। हाँ, फंक्शन किसका बनेगा, किसका बनेगा? फंक्शन उस चीज का बनेगा जिसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है। किसका बनेगा बोल के बताओ, फंक्शन किसका बनेगा? इसको मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करना। मैक्सिमा। हाँ, दूसरा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना। मतलब उसको कॉन्स्टेंट मानना है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना, मतलब उसको कॉन्स्टेंट मानना है। बताओ क्या बताया मैंने? जो गिवन है उसका डेरिवेटिव नहीं करना, कॉन्स्टेंट लेट करना। हाँ ठीक है सर, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था, फंक्शन बनेगा क्या सर, वो क्या था? अब मैं करवाऊंगा तेरे सामने, आ जाएगा देख सब कुछ। Okay. देखता जा, देख अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर है आप 19 देखो एक बार, जो मैंने बार बताई है ना वो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, पढ़ो अच्छे से 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। पढ़ लिया क्या? अरे भैया 19 क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? बोलो। इसने लिखा है शो दैट, पर 19 पता है क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से थोड़ी दुविधा शुरू होती है। ऊपर के सवाल इजी है, मैं खुद करवाऊंगा ऐसी बात नहीं। देखो शो दैट ऑफ, एक बार दोबारा बोल देता हूँ बेटा, जो ऊपर क्वेश्चन छोड़े आने में नहीं है 11 से लेकर ये छोड़े, ये करवाऊंगा आपको आज ही बताऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल। देखो नाम क्या लिया, गिवन फिक्स सर्किल। क्या नाम लिया? गिवन फिक्स सर्किल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये कहता है कि एक सर्किल के अंदर आप ऐसे रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल ऐसे जितने बना सकते हो बना लो, जितने आप बना सकते हो ऐसे बना लो भैया, जितने आप बना सकते हो वैसे उतने बना लो, 1,000 बना लो, 1,00,000 बना लो, बना लिए। अब इन सब रेक्टेंगल में से आपको ये प्रूफ करना है कि उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जो अपने आप में स्क्वायर होगा। कहने का मतलब स्क्वायर भी अपने आप में रेक्टेंगल होता है। बात आ रही है क्या समझ में? थोड़ी बहुत। दोबारा सुनिए, एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल के अंदर जितने रेक्टेंगल बना सकते हो बना लो, चाहे आप 1,000 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ। अब ये कहता है कि उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा जो स्क्वायर होगा,
ठीक है ना। तो मतलब ये कि मैंने एक सर्किल लिया और इसमें मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, क्या ले लिया एक रेक्टेंगल, एक लिया मैंने, ये तो है नहीं, मैं 15-20 बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गिवन क्या है मुझे, गिवन है ए सर्किल, ठीक है, लेट बी ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, समझ आ गया आपको। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ दो बातें करनी है भाई, क्या बातें करनी है, कौन कौन सी, एक तो मुझे ये प्रूफ करना है कि भैया इसका एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा बताओ, मैक्सिमम। दूसरा करना है कि ए बी सी डी विल बी ए स्क्वायर, विल बी ए स्क्वायर, समझ गए कि बात को, कि हमने रेक्टेंगल लेके यस सर, चले हैं, और मुझे दो बातें प्रूफ करनी है, हमेशा दो ही करेंगे, एक तो मैक्सिमम करेंगे और एक जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट पूरा होना चाहिए। ये कहता है कि रेक्टेंगल आप लेके चलो, मैं एक लेके चला हूं, ये कहता है जितने बना सकते हो उतने बना लो, उन सब के अंदर सबसे ज्यादा जिसका एरिया होगा वो रेक्टेंगल एक्चुअल में स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? यस सर, हाँ। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन पास करवाई और ये आपका सेंटर है, तो अगर इसको मैं ए मान लूं तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा, समझ आ रहा है क्या आपको। यस सर, यस और सर, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा और ये 90 है, क्यों भाई, क्योंकि रेक्टेंगल तो है ये। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, ये वाला लेंथ है 2a, ये लंबाई कितनी हो गई 2a, तो ये टू वाला कितना हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, टू ए साइन थीटा, कितने टू ए साइन थीटा, बच्चों, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, फिजिक्स वालों को तो आ गई, यस सर, अब यस कॉमर्स सर, वालों को शायद नहीं आई होगी, नहीं आई क्या, अरे नहीं आई क्या बात समझ में, ट्राइंगल सर आ गई। ए, हाँ अरे कॉमर्स वालों को कह रहा हूं मैं, चलो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो भाई, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बेस कितना है इसका, बेस ए बी है, एच कितना है 2a है, इसको यहाँ भेज दो तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा बराबर ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू ए बी 2a cos थीटा आ गई, ऐसे आप साइन की निकाल लो, क्लियर, अरे समझ आ गया ना सबको। यस सर, अब देखो मुझे एरिया मैक्सिमम करना है, एरिया क्या करना है मैक्सिमम, तो बताओ एरिया होता क्या है, एरिया को a बोल दो, l इंटू बी, l टी बताओ कितना है, एल कितना है, टू ए टू कॉस ए कोस थीटा, थीटा, और ये कितना है, टू टू ए साइन ए थीटा, साइन थीटा, इसको लिखा मैंने 2a² 2a² 2 cos थीटा और साइन थीटा, समझ आ रहा है क्या, तो यस सर, बताइए बच्चों ये क्या बन गया 2a², ये वाला बताओ क्या बन गया, साइन साइन थीटा, इनटू थीटा, और इस एरिया को मैंने a लेट कर लिया, इसको मैं ए भी कह सकता हूँ, इसको मैं एफ थीटा बोल सकता हूँ, जैसे एफ एक्स नहीं होता क्या, वैसे एफ थीटा हो गया, ये फंक्शन है, तो फंक्शन किसका बन गया, किसका बन गया, एरिया मैक्सिमम करना था, क्लियर। यस सर, अब यस सर, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, उसके लिए क्या, एफ डेस थीटा बराबर 0, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है, उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कर दो तो एफ डेस थीटा बराबर 2a², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 2 थीटा, और इसका हो जाएगा 2 थीटा का रिस्पेक्ट में, क्लियर क्या, फोर ए यस स्क्वेयर सर, कोस 2 थीटा, और एफ डेस थीटा की वैल्यू डालनी है 0, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे 0 डाल देंगे यहाँ पर, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा, फिर तो हम लिखेंगे 4a² नॉट इक्वल टू 0 एंड cos 2 थीटा इक्वल टू 0,
या इसका इसमें डिवाइड लगा दो, एक ही बात है, जीरो बन जाएगी ये चीज, लेकिन सही बात तो ये है कि इसको नॉट इक्वल टू जीरो बोलना चाहिए, इसका जीरो में डिवाइड नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कई बच्चे इसका डिवाइड लगा देता है तो कोई भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस 2 थीटा बराबर, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस 90 की, क्लियर? यस सर। ये कितना आ गया 90 थीटा, बताओ कितना आ गया बच्चों, 45। अब बच्चों ये बताओ, अगर ये एंगल 45 है तो ये अगर 90, ये वाला बताओ कितना होगा, 45। ये 45, इस 45 के सामने ए बी है, इस 45 के सामने बी सी है, तो दो एंगल बराबर हो गए, दो साइड भी बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई? यस सर। जी सर। तो लेंथ किसके बराबर हो गई, ब्रिथ के, तो ये क्या बन गया बताओ, स्क्वायर बन गया सर, स्क्वायर, स्क्वायर बन गया। तो ये वाली बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई बताओ? यस सर, हुई सर। हाँ अच्छा, अब करना है मुझे इसका मैक्सिमम एरिया क्या करना है, प्रूफ करना है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश थीटा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, इसका ये तो हो गया 4a² और इसका कितना हो गया, इसका हो गया माइनस का साइन 2θ × 2, तो ये हो गया बेटा माइनस का 8a² साइन 2θ एफ डबल डैश थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल दो 45 डाल दो, तो माइनस 8a² साइन 45 × 2 90, साइन 91 हो गया, तो ये कितना आ गया बताओ, माइनस 8a² हाँ, तो ये माइनस की वैल्यू है तो लेस देन ही होगा जीरो से, क्या होगा अभी बताओ, लेस देन जीरो, बोलो भैया लेस देन जीरो, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया, और इस पॉइंट पर आया, ये पॉइंट तो ये बता रहे कि स्क्वायर है, और लेस देन जीरो का मतलब कैसे होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, बोलिए सर, मैक्सिमा, एरिया विल बी मैक्सिमा, तो बताओ सवाल प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ सर, एक तरीका तो ये हो गया इसका, अब एक तरीका और समझाते हैं आपको, अब आप लोग मुझसे एक डाउट नहीं पूछ रहे जो कि पूछना चाहिए था, वो बताओ कौन सा, एक पॉइंट था जो आप लोगों ने पूछा नहीं मुझसे, ममता बताओ कौन सा पॉइंट था जो आपने मुझसे नहीं पूछा, पता नहीं सर क्या पूछना था, इसमें दो वेरिएबल है, एक तो थीटा वेरिएबल, एक ए वेरिएबल है, समझ आ रहा है क्या, एक तो वेरिएबल कौन है थीटा, एक कौन है समोले, तो मैंने डेरिवेटिव बताओ किस रिस्पेक्ट में किया था, थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा के, क्यों, इसलिए कि सर्किल गिवन था, तो सर्किल गिवन है मतलब उसका रेडियस गिवन है, तो यहाँ रेडियस है ना, इसको मैंने क्या माना है बताया गया, इसको कॉन्स्टेंट माना है, और थीटा को क्या माना है, वेरिएबल, हाँ, तो ये सर्किल गिवन था तो उसका रेडियस भी गिवन माना जाएगा, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना, समझ गए बात को, हाँ, क्योंकि इसलिए लिखा था गिवन है फिक्स है सर्किल, तो सर्किल फिक्स था तो वो वेरी नहीं कर सकता वो, हाँ, एक तरीका और देखिए इसका, एक तरीका और देख लो, ये रेक्टेंगल है और ये वाला मान लो आर है, ये आर है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये 90, तो मुझे ये बताओ यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर बताओ किसका स्क्वायर करो बताओ, 2r का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4r स्क्वायर, कितना गया, 4r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब एरिया बताओ क्या होता है इसका, एरिया एल इंटू बी, एरिया कितना, एल इंटू बी, ये मैं करवा रहा हूँ मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पर x और y भी है, तो मुझे क्या करना यहाँ पर रिस्पेक्ट में लू x रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, जबकि दोनों वेरिएबल है और r इज कांस्टेंट, r इज ए कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि सर्किल फिक्स था, सर्किल गिवन था, तो मुझे क्या करना है यहाँ इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को लाना है। क्या बताया बताओ मैंने, ममता बताइए क्या बोला मैंने, ममता भामो बताओ मैंने क्या बोला है अभी, सर वापस बोलना एक बार, आवाज भी नहीं आ रही थी सर, कट क्या रही थी। मैंने ये बोला है कि यहाँ वेरिएबल दो है, मुझे वेरिएबल एक रखना है और एक वेरिएबल फंक्शन को चेंज करना है, अब बताओ क्या बताया मैंने सर, दो टर्म्स एक्स और वाई में से किसी एक को रखना है, दूसरे को हाँ, और किसी तो यहाँ से वैल्यू नहीं, हाँ तो x यहाँ y की वैल्यू डाल दो, यहाँ से y निकालना कितना आएगा, 4 आवर्स के आ रहा है क्या समझ में यहाँ से, हाँ यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, रूट में आएगी ना वैल्यू इसकी, yes, समझ आ रहा होगा, यस सर बोलो। हाँ अब मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, ये बताओ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई 4 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को मैंने एस लेट कर लिया, ये लो कोई दिक्कत बताओ, नो सर बोलो। अच्छा बताए इसका रूट स्क्वायर क्यों, ताकि रूट हट जाए भैया, रूट ऐसे ही परेशान करता है। अब यहाँ वेरिएबल दो है, एक्स भी है आर भी है, बताओ हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, बताओ एक्स, बोलो एक्स, हाँ आर कांस्टेंट रहेगा, ये बताओ कितना हो गया, ये तो आप बाहर निकल जाएगा 4 आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बताओ कितना हो गया 2x, और इसका कितना हो गया 4x क्यूब, और सेकंड डेरिवेटिव यही कर लो, ये कितना हो गया 4 आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 8 आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, वहां पे 12 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर नहीं होगा क्या, ठीक है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करना है, मैक्स में मिल जाएगा, तो कितना ये 8 आर स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब बराबर जीरो, 8 एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक्स क्यूब, ये काट दो ये आ गया 8 आर स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर, तो ये आप आ गया 2 आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आया बताओ, एक्स बराबर कितना आया बोलो √2r। अच्छा ध्यान से देखो ये x की वैल्यू यहाँ डालो, यहाँ डालो बताओ y स्क्वायर कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ डालो कितना हो गया बताओ 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, y स्क्वायर बराबर कितना आया, तो y बराबर कितना आया, हाँ अब बताओ x की वैल्यू और y की बताओ वैल्यू बताओ कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब x तो आपकी लेंथ है और ये वाली ब्रीथ है, तो x बराबर बताओ y आया कि नहीं आया, यस सर, तो ए बी सी डी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और या फिर ऐसे कर लो, या ऐसे करो यहाँ से काम करो आप इस रूट टू इधर भेज दो और x को इधर ले आओ, यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा आर, ऐसा कर लो यार x अपॉन आर कर लो, यार रूट टू आया कि नहीं आया बताओ, चलो इस आर को इधर भेज दिया, आप बताओ x बताओ क्या चीज है, x से x क्या चीज है, r क्या चीज है, हाइपोटेन्यूस, अब बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूस बताओ क्या होता है, cos theta, पक्का cos होता है, यस सर x तो बेस हो गया सर, r 2r नहीं होगा क्या, हाइपोटेन्यूस सर 1/√2 होगा वहां पे, x / r है ना,
सर हाइपोटेन्यूस 2r नहीं होएगा सर, x बाय r है वहां पे 1 बाय रूट 2 होगा। x बाय r एक है बन नहीं क्या? अच्छा रूट निकल गया, एक गड़बड़ कर दी गया। एक मिनट को मैं कुछ यहाँ पर करना भूल गया। y की वैल्यू आ गई इसमें √2r। सर हाइपोटेन्यूज 2r नहीं है क्या? तो ये बाय दिक्कत है सर, रूट टू बाय टू आएगा। हाइपोटेन्यूज 2r ऐसे ही कह रहा सर आतिश। हाँ यही तो कह रहा हूँ, टू बाय 2r आएगा, 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। यहाँ सर आपने x बाय r को cos थीटा लिख दिया, वो कैसे हो जाएगा? हाँ सही है, x बाय r हो गई। अब तो x r बताओ, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो सर, बोथ साइड 2 से डिवाइड। हाइपोटेन्यूज का था हां एक बार सी आप बोथ साइड का डिवाइड करो, एल टू का डिवाइड यही बोल रहा था सर मैं। अब cos थीटा आएगा सर, ये बताओ कि कब गया cos थीटा, ये बताओ किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है? 45 थीटा 45 आ गया। cos थीटा बताओ कितना आएगा, थीटा बताओ कितना आएगा, थीटा ये वाला है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो बताओ स्क्वायर प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया प्रूफ। अरे बताओ अब सर इसमें मैक्सिमम वाला कैसे निकालेंगे? अरे बोल कर रहा हूं सर, आपके बात कट रही है बहुत। अरे बेटा ये थोड़ा नेटवर्क इशू है, अब आ जाइए क्या? यस सर बताओ। हाँ अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसमें पुट करो। तो देखो ये हो गया आपका 4r² + 8r² + 12x² ये x की वैल्यू डालना है यहाँ पर, x बताओ कितना है? √2r। ये 8r² + 12 ये बताओ कितना हो गया? 2r² तो 8r² ये हो गया 24r² बताओ कितना है ये? ये माइनस लेस देन जीरो हो गया ना ये, बोलो। यस सर। तो आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो, सेकंड डेरिवेटिव अगर क्या हो लेस देन जीरो, इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव किसका जीरो? एस का एरिया का फंक्शन, एस किसका फंक्शन था? एरिया का। तो एरिया बताओ कैसा हुआ, मैक्सिमा है ना सर? मैक्सिमा। तो ये सेकंड मेथड था, क्लियर क्या सबको? हाँ सर। अब एक मिनट रुको, मिंक डाल लेता हूँ यार। तो आपको ये बात सारी समझ आ रही होगी कि फंक्शन कैसे बढ़ते हैं? यस सर। यस सर। हाँ जी ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे इसलिए मैंने आज आपको आराम से पढ़ाया है। अच्छा अब देखिए बेटा स्टार्टिंग से ये एक क्वेश्चन नंबर देखिए 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। दिख गया क्या भैया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर दिख गया, सम इज 24।
हाँ फाइंड टू नंबर, आपको दो नंबर बताने हैं उनका सम, वो 24 है, सम 24 है और वोज प्रोडक्ट वो है इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब एक बात सुन लो बेटा, ये जो लार्ज वर्ड है ना, इस बात का मतलब क्या है? मैक्सिमम। हाँ ध्यान रखना, लार्ज वर्ड का मतलब मैक्सिमम है। अब मान लो कि आपको डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आता, आप से हो क्लास के। सर आपकी वॉइस ज्यादा कट रही है। सर वॉइस अब ज्यादा कट रही है। अब आ रही है क्या? कम आ रही है सर, कट कट के। अब आ रही है क्या? ममता आवाज आ रही है क्या? सर कट कट के आ रही है अभी भी, आप धीरे धीरे बोल लीजिए। जाए धीरे बोलूं क्या मैं? अब सही आ रही है सर, पढ़ा दो। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि आपको डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आता, आपको डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं है, तो एक छोटा बच्चा जैसे सेवंथ क्लास का, वो कैसे करेगा कि 24 है इसका आपको सम होना चाहिए दो नंबर का, उनका एन टू है वो लार्ज होना चाहिए, तो आपके दिमाग में यूं आएगा यार 24 से कर लो 23 प्लस एक, ठीक है इनका 23 इंटू एक 23 हो गया, फिर कर लो 22 प्लस दो 22 और दो 24, 22 इंटू दो 44, इससे बड़ा आ गया, या फिर 21 और 3 का जोड़ 24 है, 21 इंटू 3 कैसे हो गया 63 हो गया, ऐसे बढ़ते जाओ, ये 23 22 21 करते करते कितना हो जाएगा बताओ, एक इतने वाला कितना हो जाएगा 23 है ना, तो वापिस आ जाएगा, समझ आ जाएगा बोलो? हाँ सर। 20 में 12 और 12 भी आएगा, 12 इंटू 12 कितना होता है 144, तो ये तो हो गया आड़ू तरीका। कौन सा तरीका? ये आड़ू से करना है, डेरिवेटिव से करना है, ये आटू तरीका है भैया, ठीक है। अब देखो हम तो पूरे ही कानून से करेंगे, पूरा नंबर से, तो लेट कर लो भैया, लेट बी टू नंबर एक्स, दूसरा बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। वाई मान लो, एक्स प्लस वाई कितना होगा 24। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट, तो इसको P बोल दो, P4 प्रोडक्ट किसका, नंबरों का, तो X into Y, क्लियर X Y का। अब मुझे बताओ प्रूफ, बताओ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, P is maximum, X Y की वैल्यू P is maximum। हाँ अब देखो P X Y बताओ कितना आएगा, Y कितना आएगा बताओ, 24 माइनस X, ये हो गया 24X माइनस X स्क्वायर। अब बच्चों इसको मैं पी नहीं बोलूंगा, इसको बोल दूंगा पी ऑफ एक्स, जस्ती है क्या बात है, जस गई क्या सबको? ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, पी डेस एक्स 24 इसका कितना हो गया 2x, पी डबल डेस एक्स करो ये कितना 0, ये माइनस 2, ये आपका माइनस 2 आ गया, ठीक है ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट भैया को आप क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो, तो 24 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 24, x बराबर 12, x बराबर 12। अब ये देखो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, देखो आप सेकंड डेरिवेटिव कैसा है बताओ, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, और आपने फंक्शन किसका बनाया था, प्रोडक्ट का, किसका बनाया था, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट को मुझे लार्ज, लार्ज का मतलब मैक्सिमम करना था, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कैसा होगा, मैक्सिमम कब है, फर्स्ट पार्ट एक्स होगा, तो वाई बताओ कितना आएगा, वाई बताओ कितना आएगा 12, तो नंबर 12 और 12 होंगे भी,
कौन होंगे 12 और 12 होंगे। समझ आ गया होगा सबको? यस सर। यस। टाइम टाइम बताओ कितना बचा है भैया? 7 मिनट। ये कहता है दो नंबर उनका सम है ना 60 है और एक्स वाई का क्यूब इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करना है ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको आप ऐसा पी लेट कर दो, ये लो तो पी बराबर एक्स वाई का क्यूब। यहाँ बताओ वैल्यू किसकी डाल दो, एक्स की डाल दो या वाई की डाल दो, जल्दी बताओ। एक्स की। किसी की डाल दो, किसी की डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ यहाँ क्यूब करना पड़ेगा, वाई का क्यूब करना पड़ेगा, एक्स डालोगे तो क्यूब करना नहीं पड़ेगा, किसी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको अपने बोल देंगे पी ऑफ एक्स, एक्स 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब कई बच्चे इसका क्यूब खोल ले, क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं होता, इसका ऐसे ही पढ़ा रहे ना, इसका डेरिवेटिव पी डेज एक्स, यहाँ लगा दो यू टू वी, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, फिर प्लस नहीं पावर का फिर अंदर वाले करना पड़ेगा, अंदर वाले का जीरो प्लस देखो यू सेम वी का डेरिवेटिव इतना बड़ा था, सेकंड सेम वी सेम और इस यू का डेरिवेटिव वन, क्लियर। पी डे सेक्स हो गया आपका माइनस एक्स, ये सॉरी 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, ये लो सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ भी यू इंटू वी लगाना है तो माइनस 3 बाहर, फर्स्ट सेम इसका डेरिवेटिव किया 2 × 60 माइनस एक्स, अंदर वाले का 0 इसका माइनस 1 प्लस, फिर सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 माइनस पहले बाहर खड़ा प्लस इसका डेरिवेटिव कितना 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंदर वाले का माइनस 1 जीरो का 60 का जो इसका माइनस 1 ठीक है भाई। थोड़ा सा ठीक कर देते पी डे एक्स बराबर इसका अंदर भेज दो तो ये माइनस माइनस प्लस 3 × 6 आ जाएगा 60 माइनस एक्स प्लस और माइनस के चंटू किया तो आ जाएगा माइनस 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर किया तो माइनस 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है। ये चीज शायद कितनी बार हो गई, ये चीज कितनी बार हो गई बताओ? दो बार। बोलो कितनी बार हो गई भैया? दो बार। 60 माइनस एक्स हो गया 2 6 ठीक है। इसमें कितना कॉमन आ गया बताओ? इसमें 6 कॉमन आ गया, 60 माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, क्या गया ठीक है, एक्स बच गया, यहाँ कितना बचेगा माइनस 60 प्लस एक्स है ना, तो यह का आ गया पी डे एक्स बराबर ये हो गया 6 60 माइनस एक्स, ये आपका आ गया 2x - 60 बस खत्म। अब आपको क्या करना है मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करना है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करना है। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ कितना है यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था इसको जीरो कर दो यहाँ पर, तो ये जीरो कर दो डेरिवेटिव और ये लिख दिया माइनस का 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 60 माइनस एक्स का क्यूब। इसमें आप क्या करो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ कितना बच गया माइनस 3x प्लस 60 माइनस एक्स, तो ये हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला कितना बन गया, ये बन गया 60 माइनस 4x। अब इसके बराबर जीरो कर दो भैया, जीरो कर दिया तो इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, तो 60 माइनस 4x का होल स्क्वायर बराबर जीरो और 60 माइनस 4x बराबर जीरो, यहाँ से x की वैल्यू 15 आएगी, यहाँ से भी इसका रूट ले लो x 15 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। x कितना आ गया बताओ? 15। तो बोलो x कितना है? 15 आ गया। अब ये मतलब ये है कि इसमें एक्स वाई निकालना था तो एक्स 15 आ गया, अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव जो आपका है यहाँ पर एक्स किस 15 डाल दो, तो यहाँ 15 डाल दो, दिया गया 6 60 माइनस 15 कितना आ गया 45, यहाँ 15 × 30 30 माइनस 60 कितना आया माइनस 30, तो कितना ही आया भैया, ये नेगेटिव लेस देन जीरो आ गया, कैसा आ गया बताओ, कैसा आ गया बताओ, लेस देन जीरो कैसा आ गया, कौन ये
पी पी क्या सर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई ये हो गया हाँ सर यहाँ पे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है यार हाँ सिक्सटी माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ एक्स में कितना आएगा 60 इम्पॉसिबल क्योंकि एक्स अगर 60 होगा तो वाई कितना हो जाएगा जीरो पॉसिबल है क्या वो चीज नो सर नो सर ये वाई जीरो पूरा जीरो हो जाएगा ये इम्पॉसिबल है एक्स पंद्रह वाई बताओ कितना होगा एक्स पंद्रह